गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब क्लास 6 और 8 के लिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन मतलब जब कंप्यूटर पहले क्या था और आज की पोजीशन क्या है, मतलब इसकी पीढ़ियां क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन से लगा के फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर की है। फिर फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 तक, ये लगभग 16 से 17 साल फर्स्ट जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या डिफरेंस हुआ, कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा छोटा इस साइज में होने लगा। 1957 टू 1963 सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 1964 टू 1971। एंड जैसे जैसे समय निकल जा रहा टेक्नोलॉजी विकसित होती रही। फोर्थ जनरेशन 1972 से 1980 एंड लास्ट वन फिफ्थ जनरेशन 1981 से लगा के अभी तक फिफ्थ जनरेशन में। मैं अब आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या डिफरेंस रहा, थर्ड जनरेशन में क्या, फोर्थ में क्या एंड फिफ्थ में क्या रहा। अब एक एक सेशन के हिसाब से एक एक जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, सभी एक ही सेशन में ये पढ़ना इम्पॉसिबल है। आज आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर का अभी फर्स्ट से लगा के फिफ्थ जनरेशन तक का। आपको एक डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो डायग्राम अच्छे से देखिए, कौन फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट होती है और फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर में क्या फर्क है, आप डायग्राम देखिए। अब आज हम लोग फर्स्ट जनरेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। 1942 1956 अप्रोक्स 16 ईयर्स बीइंग यूज्ड फॉर द दिस फर्स्ट जनरेशन दैट टाइम वाज द फर्स्ट जनरेशन टाइम। उस समय क्या होता था, 1940 से 56 मतलब भारत के आजाद होने से पहले से और बाद के समय में वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी और ट्यूब्स होती है जो कि सर्किट से कनेक्टेड होती है। ये अभी मैं आपको शॉर्ट नोट बता रहा हूँ और आपको पीडीएफ फाइल बड़े लैंग्वेज में मैं आपको भेज दूंगा, सबके पीडीएफ फाइल मेरे पास है। दीज कंप्यूटर आर वेरी लार्ज इन साइज। जब उस कंप्यूटर की जो साइज होती है अप्रोक्स 2 से 3 कमरे के रूम के बराबर उस समय ये कंप्यूटर होता है। आप सोच सकते हो कि 2 से 3 रूम के बराबर कंप्यूटर कितना होगा, इतना बड़ा कंप्यूटर था। यूजिंग मशीन लैंग्वेज, और उस समय मशीन की लैंग्वेज भी आइडेंटिफिकेशन होने लगी। फोर्थ वन, दे वर वेरी एक्सपेंसिव। और सभी को पता है जब कोई चीज बड़ी होगी और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगी तब वो ऑटोमेटिक वेरी एक्सपेंसिव होगी। उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी, सबसे पहली जनरेशन कंप्यूटर की है। फिफ्थ, रिक्वायर मोर इलेक्ट्रिसिटी, और जब मशीन बहुत बड़ी होगी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा उसको जरूरत होगी। एग्जांपल के तौर में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल इनवेक एंड यूनिवेक फर्स्ट कंप्यूटर आर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अभी मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट नोट दिए हैं और बड़े इसके आपको मैं पीडीएफ फाइल आपको मैं होमवर्क के साथ में भेज दूंगा, आप उसको देख के ही ये होमवर्क करना। अब मैं आपको फर्स्ट जनरेशन के कुछ डायग्राम बता रहा हूँ। अब आज के लिए होमवर्क, मैं आज आपको सिर्फ फर्स्ट जनरेशन ही बताऊंगा, सभी जनरेशन इस ऑनलाइन एक सेशन में पॉसिबल नहीं है। आज के लिए होमवर्क, मेक ए चार्ट ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, जो भी मैंने वीडियो में आपको बताया वो वैसा ही चार्ट आपको अच्छे से पूरा बनाना है। सेकंड, राइट फ्यू थिंग या क्वालिटीज या फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बताया है, वेरी शॉर्ट बोर्ड में, वो चीज आपको बड़े सेंटेंस में अपनी भाषा में इसमें लिखना है। नोट, बिफोर डूइंग होमवर्क, मतलब होमवर्क करने से पहले सभी बच्चे कम से कम 2 बार वीडियो देखेंगे और जो नोट्स मैंने आई एनक्लोज ए पीडीएफ फाइल विद होमवर्क, होमवर्क के साथ में जो मैं पीडीएफ फाइल सेंड कर रहा हूँ उसको भी
अच्छे से देखेंगे वो शॉर्ट नोट्स की तरह आप ये होमवर्क कर सकते हैं।